अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा C111 कोबाज में हम कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि कैलिब्रेशन की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। कैलिब्रेशन हम तभी करते हैं जब हमारे कंट्रोल मसल से लाउट आते हैं। और ये देखें, मैंने अल्कलाइन फास्फेट का कंट्रोल लगाया था, ये R2S इसने दिया है मतलब। और ये दूसरा जहाँ पे कंट्रोल लगाया था PCC1 एंड PCC2 मतलब Level 1 और Level 2 दोनों आउट गए हैं। तो इसकी वजह से हमें इसकी अल्कलाइन की कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। बाकी सारे कंट्रोल देखें आप सही आए हैं। तो इसकी कैलिब्रेशन करने के लिए हम पहले कैलिब्रेटर निकालेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैलिब्रेटर कैसे बनाते हैं, कंट्रोल कैसे बनाते हैं, तो और उसके बाद इसको हम फ्रीज़ करके रख देते हैं हेलीकोर्ट्स में बना के। तो अभी मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है, फ्रीज़र में से। ये देखें बिल्कुल फ्रीज फॉर्म में हम इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर, ताकि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए और फिर उसको अच्छे से मिक्स करके हम कैलिब्रेशन करेंगे उसकी। तो जैसे कि आप देखें इसको तकरीबन 25-30 मिनट हो गए और ये बिल्कुल जो है लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो हम पहले सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, हम जस्टर से भी मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको हिटैची कप में फिलअप करेंगे। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स करके हिटैची कप में रख दिया है। हिटैची कप में इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री की जितनी भी मशीन्स हैं कोबाज की, उसके लिए यही ट्यूब रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें एरर के चांसेस बिल्कुल बहुत कम होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको QC को एग्ज़िट करना है और इसके बाद कैलिब्रेशन में जाना है। कैलिब्रेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सारे आपके जो पैरामीटर हैं इस मशीन में वो आ जाएंगे। फिर जिसकी भी आप कैलिब्रेशन करनी होगी आप उस पर उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे अल्कलाइन की करनी है कैलिब्रेशन, उसको सिलेक्ट करके मैंने फॉरवर्ड कर दिया। तो ये देखें C-Phase, ये मशीन इसका कैलिब्रेटर भी खुद बता रही है। आप किसी भी टेस्ट का किसी भी टेस्ट की कैलिब्रेशन करेंगे तो ये मशीन आपको खुद उसका कैलिब्रेटर का नाम भी बताएगी और उसकी पोजिशन भी बताएगी। ये देखिए इसका बता रही है C-Phase और इसकी पोजीशन भी बता रही है 2, तो हम इसको 2 पे रख देंगे। पोजीशन 2 देखिए, जैसे ही मैंने इसको रख दिया इसका जो ब्लू एरिया था वो ख़त्म हो गया। तो अभी हम इसको ओके करेंगे। ओके यहाँ नीचे से होगा। जैसे मैंने उसको ओके कर लिया, हमारी कैलिब्रेशन देखिए ये वाली कैलिब्रेशन है, ये रनिंग पोजीशन पे आ गई। पहले सबसे पहले ये स्टेटस होता है रेडी, रेडी के बाद ये रनिंग में आ जाती है। रनिंग के बाद जब ये पाइपेटिंग हो जाती है तो पाइपेटिंग के बाद फ़ौरन हमारा रिज़ल्ट आ जाता है 15 मिनट में या 20 मिनट में, जितना भी हमारा डिज़ायर्ड होगा। तो चलिए इसका हम वेट कर लेते हैं और बाद में रिज़ल्ट देखते हैं क्या आता है। ये हमारे रिएजेंट डिस्क हम इसमें जाएंगे, तो हमारा ये रहा अल्कलाइन फास्फेट। जैसे इसका कलर ग्रीन होता है और जब भी कैलिब्रेशन होगी, कैलिब्रेशन आउट जाएगी या इसकी कैलिब्रेशन आउट हो जाएगी खुद ब खुद, कभी भी एक महीने के बाद हो जाती है, तो ये रेड हो जाता है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें तो इसका ये स्टेटस भी दिखाएगा, मिसिंग कैलिब्रेशन अल्कलाइन फास्फेट। तो अभी इसकी कैलिब्रेशन चल रही है, जब भी इसकी कैलिब्रेशन इसकी पूरी हो जाएगी उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये ग्रीन हो जाएगा। देखिए 2 पोजीशन से पाइपेट हो गया, तो यहाँ पे भी पाइपेट लिख के आ गया। भाई ये पाइपेट होने के बाद ये इसका रिज़ल्ट आएगा। और ये जो जो कैलिब्रेशन हो गई हैं ये उनकी डेट भी हैं
के इस डेट को और इस टाइम पे हमारी कैलिब्रेशन हुई थी। ये हमारे पैरामीटर के नाम है, डेट, मंथ, ईयर और टाइम, हर चीज़ इसमें पूरी डिटेल आ रही है। इसको आप खोल के देखेंगे तो खोल भी सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे कैलिब्रेशन एक्सेप्ट हो गई है, कोई फ्लैग वगैरह नहीं है। ये टाइम डेट हर चीज़ यहाँ पे आ रही है। कैलिब्रेशन डिटेल में जाएंगे, आप वापस चले जाएँ। तो जैसे दोस्तों, हमने अपनी कैलिब्रेशन को पाइपेट पे छोड़ा था और पाइपेट का स्टेटस रहने के बाद कुछ देर बाद हमारी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई थी। तो इसके हम डिटेल में जाएंगे तो ये सब लिखा हुआ होगा, तो हम पीछे जाते हैं ओवरव्यू में और अपने रिएजेंट के बॉक्स में, डिस्क में, यहाँ पे देखेंगे एल्केलाइन फॉस्फेट ग्रीन हो गया है और बॉटल सेट इज़ रेडी टू यूज़। अभी इसको हम कंट्रोल लगाएंगे कैलिब्रेशन के बाद, प्लस वर्क प्लेस में जाके क्यूसी स्टेटस में, और उसके बाद प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे और अल्कलाइन फास्फेट को हम सिलेक्ट करेंगे। ये तो ये हमसे पूछेगा कि कंट्रोल कौन सा आप लगा रहे हैं, PCC1, PCC2, मींस के लेवल 1 लगा रहे हैं या लेवल 2 लगा रहे हैं। तो उसमें से हम लेवल 2 को सिलेक्ट करें क्योंकि हम लेवल 2 लगाने वाले हैं, हम ओके कर देंगे। और इसके दौरान हमने कंट्रोल को उठा लेना है क्योंकि ये 15 सेकंड देगा शायद मशीन। PCC2 पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें ये मशीन टाइम बताएगी। तो हम अच्छे से मिक्स करने के बाद हम किसी भी पोजीशन पे रख देंगे तो हमारा कंट्रोल आ जाएगा। ये हमारा कंट्रोल रेडी हो गया और यहाँ पे ये स्टार्ट का ऑप्शन बिल्कुल कोने में, तो इसको हम दबाएंगे एक दफ़ा। ये रेडी हो गया, अभी ये स्टैंड बाय से ऑपरेटिंग पे जा रही है। ऑपरेटिंग के बाद ये रनिंग पे हो जाएगा, रनिंग पे हो गया, उसके बाद पाइपेट होगा। पाइपेट के बाद बिल्कुल इसी तरह से हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा और रिज़ल्ट आने के बाद हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता चलूं कि जब भी हमारे कंट्रोल आउट जाएंगे मुसलसिल लेवल 1 और लेवल 2, उसके बाद हमें कैलिब्रेशन करनी पड़ती है, या जब हमारे जो किट है उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, यूजुअली 1 मंथ के बाद या 15 दिन के बाद, जो भी मशीन की सेटिंग होगी उसके बाद कैलिब्रेशन मांगती है। ये देखिए, रनिंग के बाद जब मशीन ने उठाया तो ये पाइपेट हो गया। पाइपेट के बाद डायरेक्ट 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जब भी हमारे कंट्रोल आउट जाएंगे तो हम उसके बाद फौरन कैलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जब कंट्रोल आउट होगा तो हम रिज़ल्ट लगाएंगे तो वो रिज़ल्ट हमारा सही नहीं होगा, उसकी कैलकुलेशन सही नहीं होगी, वो हमारा फॉल्स रिज़ल्ट हो जाएगा। R22S और R22S ये कंट्रोल जो हैं, ये वेस्ट गार्ड के रूल के मुताबिक हमें इनको रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे जाके मैंने पहले ही इसको इग्नोर कर दिया है। तो ये दो जो कंट्रोल है हमारे, ये आउट है। उसके बाद हमने कैलिब्रेशन की, कैलिब्रेशन हमारी पास हो गई। कैलिब्रेशन के बाद हमने दोबारा कंट्रोल लगाया है और ये कंट्रोल हमारा सही आ जाएगा, उसके बाद हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे।